अलैकुम। आज मैं आप लोगों को बताना सिखाऊंगी शुगर एंड स्पाइस फूड में चिकन पैटीज। आइए तो बनाते हैं। ये मैंने पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और ये मैं 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज चॉप किया हुआ डाल रही हूँ इसमें। इसको ना हम गोल्डन ब्राउन करेंगे ना कुछ, बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके साथ ही हम इसमें चिकन डालेंगे। मेरे प्याज मेरा सोते हो गया था बिल्कुल सॉफ्ट और मैं अब इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया। अब साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक हंसने ज़रूरत है आप लोग डालिएगा टेस्ट के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा स्पाइस में बनाऊंगी ये काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, 2 टेबल स्पून धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 अदद। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून मैदा मैं ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसमें ये मैं मैदा 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। ये देखिए साथ ही इसमें दूध डाल दूँगी, मैदा थोड़ा सा भून लूँ। ये देखिए दूध मैदा भूना था मैंने इसके साथ चिकन के साथ, अब मैंने दूध ऐड किया। अब ये बिल्कुल मिक्स कर लेंगे हम इसको, दूध खुश होने तक पकाएंगे इसका। चिकन हमारा ये तैयार हो गया है मिक्सर, इसको मैं एक बाउल में निकालती हूँ और जब तक मैं पफ पेस्ट्री में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें पफ पेस्ट्री मैंने एक बाउल ली हुई है, अब मैं इसको बेल के अच्छी तरह से इसके पीस काट के आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये 1/2 kg मैंने पफ पेस्ट्री ली थी, इसको मैंने रोल कर लिया इस तरह। ये देखें ये अभी इसको इस कटर से, या ये आप छोटा बनाना चाहें तो छोटे इस तरह रख के कटिंग करेंगे। ये देखिए एक हमने सादा कटिंग करना है और एक हमने ये वाले साइज से, कट वाले साइज से इस तरह हम सारे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जो हमने फिलिंग तैयार की थी ना वो हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। ये देखिए मैं 2 आप लोगों को तैयार करके दिखा देती हूँ और इसके ऊपर एक ये इस तरह पीस रखेंगे। ये देखिए ठीक है, ये इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर मैं अंडे की जर्दी ब्रश करूंगी, अंडे की जर्दी को फेंट के अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रश करके तो इसको ओवन में 180 सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूंगी। ठीक है, हमारे चिकन पैटीज तैयार है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, इसकी देखने में लुक बहुत अच्छी लग रही है तो खाने में ये और भी टेस्टी और मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़।